कहते हैं इतिहास अपने आप को फिर से दोहराता है, मतलब जो कांड हमने 600 साल पहले किया था शायद हम फिर से वही करने जा रहे हैं। और लगता है मेरी तब भी लगी थी और अब भी लगेगी। हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका टोटल एंटरटेनमेंट हिंदी चैनल में। दोस्तों, हाउसफुल 4 मूवी रिलीज हो चुकी है और उसका आज दूसरा दिन है, लेकिन ये मूवी फ्लॉप होती हुई नज़र आ रही है। हालांकि फिल्म की कहानी जो है कुछ खास दम नहीं है फिल्म में, और ये एक कॉमेडी मूवी है और कॉमेडी इसमें ज़बरदस्त है और आपको सस्पेंस भी देखने को मिलेंगे और रोमांस भी देखने को मिलेंगे, एक्शन भी थोड़ा बहुत देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों, ये मूवी अच्छी है, बट प्रॉब्लम इसमें यह है कि ये दिवाली के मौके पर रिलीज की गई है और दिवाली में सभी लोग अपने त्यौहार मनाने में लगे हुए हैं। धनतेरस के दिन ये फिल्म रिलीज की गई, जो कि सबसे बड़ी गलती है। धनतेरस से पहले रिलीज करना चाहिए था तो कुछ इसकी कमाई हद तक अच्छी हो जाती, लेकिन पहले दिन इसने 26 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया है और 26 करोड़ बहुत कम है अक्षय कुमार की मूवी के लिए, क्योंकि अक्षय कुमार की मूवी जो है 30 से 40 करोड़ रुपये पहले दिन ही कलेक्शन कर लेती है। तो पहले दिन जो कलेक्शन इसका रहा बहुत कम रहा है, वो इस वजह से कि क्योंकि त्यौहार था, धनतेरस था। और दूसरे दिन की अगर बात करें तो दूसरे दिन मात्र 18 करोड़ रुपए किया है, जो कि छोटी दिवाली है और छोटी दिवाली के मौके पर ये मूवी बिल्कुल पिटती हुई नज़र आ रही है। मतलब बिल्कुल इसका ग्राफ नीचे चला गया है कलेक्शन के मामले में और ये मूवी काफ़ी घटिया मानी जा रही है। दरअसल ये कहानी वगैरह सही है, लेकिन इसको न देखने की वजह से लोगों का न देखने का कारण सिर्फ ये है कि ये त्यौहार है इस समय, और आज है जो वो छोटी दिवाली है, और छोटी दिवाली पे लोग अपना त्यौहार मना रहे हैं, खरीदारी कर रहे हैं अभी भी और अपने घर को सजा रहे हैं और छोटी दिवाली मना रहे हैं, पटाखे वगैरह जला रहे हैं। तो इसलिए छोटी दिवाली के दिन बहुत ही कम देखने को एडमिट मिला है और पूरे इंडिया में आज तो हाउसफुल कहीं हुआ ही नहीं है, बहुत ही कम लोग आए हैं, मात्र 18 करोड़ रुपए का कलेक्शन हुआ है। अगर कल दिवाली की बात कर लें तो मुझे लगता है कि 1 करोड़ भी कमा लेगी तो बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि दिवाली के दिन बिल्कुल कतई नहीं कोई घर से निकलता है, सब अपने पूजा पाठ में बिल्कुल सुबह से लेकर शाम तक लगे रहते हैं। तो दोस्तों, ये मूवी फ्लॉप इसलिए होती जा रही है क्योंकि ये एक त्यौहार के मौके पर रिलीज की गई है। जैसा कि अक्षय कुमार सर इसमें एक बाला का रोल करते हुए नजर आए हैं और सबसे पहले ये इनमें जो फर्स्ट पार्ट है यानी लंच से पहले है, इसमें ये एक भुलक्कड़ इंसान होते हैं, नाई का काम करते हैं, जो कि हमेशा अगर कहीं घंटी बज जाए, कोई पटाखा फूट जाए तो फटाक से कोई भी चीज़ भूल जाते हैं और भुला भुला रे ऐसे करके आपको एक आवाज़ देखने को मिलेगी। तो बाद में इनको धीरे धीरे लेकिन याद आता है कि यहाँ ये पिछले जन्म में 600 साल पहले एक राजा हुआ करते थे, इनका नाम था बाला, और वहीं पे ये गाना आता है, बाला बाला शैतान का साला। तो दोस्तों, उससे पहले ये गाना आ जाता है, एक चुम्मा तो बनता है। तो ये मूवी जो है कि अच्छी है, कॉमेडी इसमें अच्छी की गई है और बाबी देओल ने भी काफ़ी अच्छा किया है, बट वो फिलहाल उनको भी रखना इस मूवी में काफ़ी गलत ही था, क्योंकि वे कॉमेडियन हीरो नहीं हैं, वो एक सीरियस हीरो हैं और एक्शन हीरो हैं, लेकिन बाबी देओल को ये लोगों ने लेकर के गलत किया, उसके बजाय किसी और को लेते। लेकिन बाकी लोगों का किरदार काफ़ी अच्छा है इसमें, लोगों ने काम भी अच्छा किया हुआ है, क्रिटिक्स का रिव्यू भी काफ़ी अच्छा है, लोगों का पब्लिक का जो भी देख रहे हैं उनका भी रिव्यू काफ़ी अच्छा सही है। बट प्रॉब्लम बस एक ही जगह है कि ये त्यौहार के मौके पे रिलीज की गई मूवी, इसलिए ये मूवी पिटती हुई नज़र आ रही है। देखने वाली बात यह है कि कल दिवाली है, कल दिवाली के दिन कितना लोग आते हैं और आपको क्या लगता है दोस्तों, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।